नमस्कार, रामा आर्ट्स पेंटिंग वर्क की तरफ से आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। यह हमारा तीसरा वीडियो है पेंटिंग स्केचिंग। मात्र एक दिन में सीखें। यह पेंटिंग स्केचिंग का तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग एक बिंदु के माध्यम से, दो बिंदु के माध्यम से एक सरल रेखा, एक सर्कल, एक त्रिभुज, एक वर्ग और एक पंचभुज एवं षष्ठभुज का निर्माण कर चुके हैं। आपको बताया जा चुका है और सर्कल का हमने बता चुके हैं सेकेंड वीडियो में, और तीसरा आज हम बताएंगे त्रिभुज से किस टाइप का हम बताएंगे। यह आप ध्यान से देखें। यह दूसरा वीडियो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे लोगों के लिए, तीसरा वीडियो। यूँ तो मैं एक में ही ये सबको बना देता, लेकिन लोड करने में परेशानी होती है, इसीलिए मैं इसको काट काट के बना रहा हूँ। आपको देखने में भी ज़्यादा टाइम समय बर्बाद ना हो। यह हम त्रिभुज से इस सब का निर्माण किए। एक आदमी नुमा, एक कंप्यूटर नुमा त्रिभुज से आकृति बनाएंगे। रोबोट, कंप्यूटर में गलती से बोल दिया था, रोबोट। यह त्रिभुज से ही सब चीज का निर्माण है, इसका शरीर का भी, इसके बाकी के अंगों का भी त्रिभुज से ही बनाएंगे। कोशिश करेंगे धीरे धीरे ही बनाएं। सिस पेंसिल से बनाना है। यह हाथ का भी निर्माण, पैर का भी निर्माण, सभी को त्रिभुज से ही बनाना है। बहुत ही आसान रहता है त्रिभुज से भी आकृति बनाना। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आता है। इसका हाथ का, हथेली का निर्माण करेंगे, पैरों का निर्माण करेंगे। इसके बाद उंगली का निर्माण करेंगे जो कि त्रिभुज से ही रहेगा। पांच ठे ही डालना है, उससे ज़्यादा कम नहीं डालें। पता चले कि हाँ, हमारे उंगलियों का हर एक हाथ में, पैर में पांच पांच का ही संख्या में रहता है। और भी डिजाइन इसमें दे सकते हैं। इसमें बटन बना देते हैं जानने के लिए कि कुछ पहने हुए हैं, और अपने हिसाब से इसको आप कलर कर सकते हैं। बच्चे लोगों को यह कलर करने में भी आसानी है, एवं अलग अलग कलर से करवाएं, धीरे धीरे ही करवाएं, अपने हिसाब से पैंट शर्ट स्किन को स्किन कलर ही रहने दें। और धीरे धीरे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। धन्यवाद।